कोरोना के कहर ने पूरी दुनिया के कदमों को रोका, लेकिन भारत में इसका एक अलग ही चेहरा देखने को मिला। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कभी कुछ लोगों को इसका जिम्मेदार ठहराया गया तो कभी उन्हें बहिष्कृत करने की सलाह दे डाली गई। भारत में कोरोना ने समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था और जातिगत संरचना के ढांचे को एक बार फिर से बेनकाब करते हुए हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में हमें एक बार फिर खुद से सवाल करना होगा कि आखिर मनुष्य कौन है जिसने अपनी सुविधा के लिए मन मुताबिक नियम बना डाले, जबकि प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं रखा। उसने कैसे मान लिया वो श्रेष्ठ है और सबको ऊंच नीच के जाल में बांट दिया। भारतीय जाति संरचना के संदर्भ में ये बात और भी सार्थक लगती है। वरिष्ठ लेखक राजेंद्र पाल गौतम लिखते हैं कि कैसे एक जाति विशेष ने अपने आप को देवता की श्रेणी में रखा और कुछ को जानवर की श्रेणी से भी नीचे रखा, जहां उसे छूने की मनाही थी, साथ बैठने की मनाही थी और तो और उसकी परछाई से भी ऐतराज था। कैसे कुछ मुट्ठी भर लोगों ने खुद को महाशक्तिमान मानकर जाति और नस्ल बनाकर रंग भेद करते हुए मन भेद को भी जन्म दिया। ताकतवर लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों पर भी अपना वर्चस्व कायम करने के लिए उन पर कब्जा किया, जो आज भी जारी है। जिन्हें वंचित रखा वे आज भी वंचित हैं, जबकि समानता के लिए जरूरी है कि संसाधनों का समान बंटवारा हो। हजारों साल से समाज का एक वर्ग इसे नियति मानकर झेलता आया है और कभी इससे बाहर नहीं निकल पाया। दिन बदले, महीने बदले, सदियां बदले, पर नहीं बदला तो अस्पृश्यता का ये स्वरूप, जिसके चलते अब नफरत इतनी बढ़ गई है कि आज लिंचिंग कर इंसान ही इंसान को मारने लगा है। ऐसा ही नहीं है कि महामारियां पहले कभी नहीं आई, लेकिन इस महामारी ने इंसान को सही मायनों में उसका अक्स दिखा दिया। सभी मानकों में उलटफेर कर इस अदृश्य दुश्मन ने बता दिया कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जो ये समझते थे कि दुनिया उनकी मुट्ठी में है, उन सब के भ्रम पल भर में धराशायी हो गए। आज कोरोना की महामारी में जिस तरह इंसान को अस्पृश्यता झेलनी पड़ रही है, एक दूसरे से अलग रहना पड़ रहा है, एक दूसरे को छूने से भी बच रहे हैं, हमें याद करना होगा वो दौर जब इंसान को जातियों और वर्ण व्यवस्थाओं में जकड़ कर छुआछूत के नाम पर प्रताड़ित किया जाता रहा, और कई जगह तो ये आज भी जारी है। क्यों न कोरोना के बहाने ही हम सीख ले कि जब हम जाति, धर्म, रंग या लिंग में भेद नहीं कर रहा तो हम क्यों करें। लेकिन अफसोस कि आज भी क्वारंटीन किए गए कुछ लोगों पर जातिगत भेदभाव इस कदर हावी है कि वह किसी दलित के द्वारा पकाए गए भोजन को खाने से इनकार कर देते हैं। ये इस देश की विडंबना ही है कि बुद्ध के मध्य मार्ग पर चलने के बजाय आज देश का बड़ा हिस्सा छुआछूत और अस्पृश्यता की राह पर है।